Hi everyone, welcome in Art and Designs by Miraz, an online fashion designing course. So, आज की क्लास में हम सीखेंगे draw neckline designs. So, guys, घर बैठे सीखने का बेहतरीन तरीका है कि आप हमारे साथ सीखिए basic online fashion designing course and advanced. और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं guys, everyone like that, basic neckline designs, front and back designs. तो guys, आज हम सीखेंगे कि किस तरह से front बेसिक नेकलाइन डिजाइंस बनाया जाता है, क्या टेक्निक होता है, क्या पॉइंट का ध्यान दिया जाता है. एज ए फैशन डिजाइनर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है डिजाइन करने का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो आज की क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बनिएगा अंत तक. जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तो जल्दी जल्दी से गाइज आप अपने नोट कॉपी पे राइटिंग डाउन कीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की क्लास के लिए. क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी. एज ए फैशन डिज़ाइनर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. और गाइज अगर आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ सीख सकते हैं 3 मंथ्स बेसिक फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स ऑनलाइन जूम में मेरे साथ, सारा मिराज खान, फैशन डिज़ाइनर एंड ट्राइबल आर्टिस्ट. एंड 6 मंथ कोर्स एडवांस है, सर्टिफिकेटेड कोर्स है, घर बैठे सीख हमारे साथ आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मिराज के साथ. तो चलिए सबसे पहले ये जो बॉडी मेजरमेंट चार्ट्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सिंगल फैशन डिज़ाइनर स्टूडेंट के लिए, तो आप जल्दी से इसे राइटिंग डाउन कीजिए और अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ. क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये चैनल और ये वीडियो आपको बेनिफिट दे रहा है, आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, तो गाइस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक डिज़ाइंस करना सीखेंगे. 4 स्टेप है इस डिज़ाइंस को बनाने के लिए. तो नंबर 1 पर जो डिज़ाइंस हम बनाएंगे वो इस तरह से है. आज की जो क्लास है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बनिएगा, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं सीरीज़ वाइज नेकलाइन डिज़ाइन से और हम पूरे डिटेल्स के साथ आपको क्लासेस अपडेट्स करते चले जाएंगे. तो आज की क्लास में देखिए, हमने कुछ स्केच पेन लिए हैं, क्योंकि ड्राइंग स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. स्केल, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर एंड स्टेंसिल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके फाइल में स्टेंसिल एंड ब्राउन पेपर के साथ कंप्लीट असाइनमेंट बने. तो हम आज आपको सिखाने वाले हैं बेसिक नेकलाइन डिज़ाइंस. रेफरेंसेस के तौर पर हम आज 3 बुक लेने वाले हैं. 3 बुक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आप हमारे प्रीवियस वीडियो में भी देखे होंगे कि हमने इन बुक की डिटेल्स बताए हुए हैं. तो सबसे पहले हम क्लास शुरू करने से पहले मटेरियल डिटेल्स बताएंगे कि किस तरह के मटेरियल्स होते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के लिए. ये तमाम मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए. और जिन दोस्तों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो उनके लिए ये वीडियो और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम पहले मटेरियल डिटेल्स जानेंगे, डिज़ाइन सेक्शन जानेंगे एंड देन प्रोसीड कैसे किया जाता है, वो भी आज इस वीडियो में सीखेंगे. तो 1 by 1 प्रोसेस है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक डिज़ाइनर सोल जिंदा है, तो आपको फैशन डिज़ाइनर बनने से कोई नहीं रोक सकता. आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे. अगर आपने ये वीडियो क्लिक करके देखा है, इसका मतलब आपका दिल चाहता है कि आप फैशन डिज़ाइनर बने. तो अपने सपनों को उड़ान दीजिए, पंख और आसमान हम आपको देंगे. तो बस करना क्या है, फैशन डिज़ाइनिंग सीखना है हमारे साथ आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मिराज के साथ. 3 मंथ्स बेसिक कोर्स, 6 मंथ एडवांस सर्टिफिकेटेड कोर्सेज है. तो गाइस रजिस्ट्रेशन ओपन है, ज्वाइन कीजिए लाइव क्लास और अपने सपनों को उड़ान दीजिए. तो चलिए अब देखिए, ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूट के बुक है और इस बुक में 3 मंथ्स कोर्स के तमाम डिटेल्स हैं, असाइनमेंट डिटेल्स हैं. अब आते हैं यहाँ पे बेसिक नेकलाइन. तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेसिक यहाँ पे हमने नेकलाइन डिज़ाइंस बनाया हुआ है. और अगर आपको ये बुक ऑर्डर करनी है, तो दिए हुए नंबर पर आप अपना बुक प्लेस, ऑर्डर प्लेस, आप दिए हुए नंबर पर अपने इस बुक का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और इससे हम लेंगे रेफरेंसेस कि किस तरह डिज़ाइन बनाने के बाद हम वाटर कलर की सहायता से कलर फील करते हैं. तो 1 by 1 क्लास है, मैं आप लोगों को सिखाते चले जाऊंगी कि किस तरह स्केलिंग किया जाता है, किस तरह बॉक्स बनाया जाता है, किस तरह डिज़ाइन के बाद कलर फील किया जाता है. अच्छा गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए,
चाहे आप ऑनलाइन स्टोर चलाते हो, आप डिज़ाइनिंग सीख रहे हो, आप स्टूडेंट हो किसी भी इंस्टीट्यूट के, या फिर आप हमारे आर्ट एंड डिज़ाइन बाय मिराज के स्टूडेंट हो, आपको कलर मीडिया का इस्तेमाल करने आना चाहिए। कलर मीडिया से मतलब क्या होता है, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स यूज़ करना आना चाहिए अपने इलस्ट्रेशंस में। लाइक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे वाटर कलर का पेंसिल यूज़ किया है, जिसे हम कहते हैं ब्रश पेन, इसे कहते हैं हम ब्रश पेन। ठीक है गाइस, चलिए बाकी डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्क्रीन पे 3 इंच बाय 3 इंच का बॉक्स बनाएंगे कुछ इस तरह से, हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको सिखाया है, अगर आप देखे होंगे तो ज़रूर आपको याद होगा। और गाइस मैं आपको डिटेल के साथ सिखाने वाली हूँ 3 स्टेप में हाउ टू मेक बेसिक डिज़ाइन। गाइस वीडियो लंबी हो सकती है, तो हम अपने क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते, कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि फाइलिंग कैसे करनी है, ताकि आप लोगों को भी असाइनमेंट करना आसान हो। स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारे साथ ऑनलाइन डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, तो गाइस आप लोग बड़े ध्यान से देखिए कि किस तरह से बेसिक नेकलाइन डिज़ाइंस ड्रॉ की जाती है, ड्राफ्ट बनाया जाता है, एंड पैटर्न किस तरह से बनाया जाता है, एंड उसका सैम्पल किस तरह से आपको बना के 8 इंच बाय 8 इंच के फैब्रिक में आपको फाइलिंग करना है। तो आप ध्यान से देखिए, और ये असाइनमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बैच के स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी जल्दी आप भी आर्ट एंड सो गाइज मुलाकात होगी अब हमसे कल की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्राइंग सेक्शन में। मटेरियल के साथ रेडी रहिएगा। हैव अ ब्लेस्ड डे, टेक केयर, बाय बाय।